तो मुरली के मधुर सुना दो ओ कान्हा, अब तो मुरली के मधुर सुना दो मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मुझको तू पहचान मधुर सुना दोता। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लेसन पर। और आज हम सीखेंगे ये भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्यारा बड़ा भावुक भजन ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। इसके लिरिक्स बड़े प्यारे हैं और जिन सिंगर ने ये गाया है बहुत ही मेलोडियस गाया है, बहुत प्यारा गाया है और इसकी धुन बड़ी प्यारी है। मुझे बहुत पसंद है ये भजन। तो आज इस भजन को हम सीखेंगे हारमोनियम पर प्ले करना। तो हमारे काफी व्यूवर्स की फरमाइश थी इसके लिए। तो आइएगा, अगर आप इस भजन को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और करते हैं लेसन शुरू। और लेसन शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि अच्छे अच्छे भजन के लेसन हम इस चैनल पर आपको देते रहें। आज का जो भजन हम सीखेंगे ये विद म्यूजिक पार्ट सीखेंगे, इसका एक अलाप है वो भी सीखेंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले देख लीजिएगा इसमें स्वर कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। स्केल हमारा रहेगा पहला काला सी शार्प माइनर, इसका कॉर्ड है, ठीक है। सा रे कोमल गा मा पा और दोनों धा का इसमें यूज होगा और आपका दोनों नी का यूज होगा, ठीक है। अंतरे में आपका शुद्ध नी यूज होगा और स्थाई में आपका कोमल नी यूज होगा, ठीक है। सा। अब देखिएगा सबसे पहले जब भजन स्टार्ट होता है तो इंट्रो म्यूजिक पार्ट है जो फ्लूट से पार्ट बजाए, पहले वो पार्ट देखेंगे। स्लो में देखिएगा इसका, फिर नोटेशन आपको बताता हूं। सा प म प म प, इतना फ्रेज है। सा प म प म प, सा ग प म प म प, पहले सा प म प म प और फिर सा ग प म प म प। सा प म प म प, सा ग प म प म प, नी रे ग रे ग रे सा, नी रे ग रे ग रे सा। मंत्र सप्तक का कोमल नी रे गा, नी रे ग रे ग रे सा। तो पूरा पार्ट ठीक है। इसके बाद होता है अलाप शुरू। अब जो अलाप है हो लेकर के दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसके बाद आपका स्थाई शुरू होगा। ओ कान्हा अब तो मुरली के, देखिएगा ओ कान्हा, ओ कान्हा सा सा रे पा पा नी। अब ये नी का कण यहां पर यूज हुआ है।
ओ कान्हा ससरे पापा। ठीक है, ओ कान्हा अब तो मुरली के, अब तो मुरली के। मा पापा मा गरे रे सारे सनी, अब तो मुरली के। मा पापा मा गरे रे सारे सनी, ठीक है, अब तो मुरली के। मधुर सुना दो तान, मधुर मधुर नी निरे मधुर सुना सुना। रे मा गा मा रे सा सा सुना दो तान। ठीक है, अगली लाइन। ओ कान्हा अब तो मुरली के, मधुर सुना दो तान। ठीक है, इसके आगे की फिर दो लाइन है दूसरी। मैं हूं तेरी प्रेम पदनी ससा साधा, मैं हूं तेरी सदा। ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। मैं हूं तेरी प्रेम दीवानी। अब यहां पर पहले शुद्ध धा का यूज हुआ, फिर कोमल धा का। प्रेम दीवानी निदानी सधा पा, प्रेम दीवानी मैं हूं तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मुझको तू पहचान। पामा मानी पगा माधा पा, पामा मानी पगा माधा पा, मुझको तू पहचान। फिर ये अब जैसे पापा रुके, पामा मानी पगा माधा पा, मा गा मा रे गा सा रे नी पा, मा गा मा रे गा सा रे नी, मुझको तू पहचान। ये है, ठीक है। पा मा गा मा रे गा सा रे नी, मुझको तू पहचान। ठीक है, उसके बाद फिर मधुर सुना दो तान। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है म्यूजिक। अब जो म्यूजिक है वो देखिएगा, छोटा सा म्यूजिक पार्ट रखा है फ्लूट वाला। के साथ तीन आकार, ठीक है। सारे गा सा पा, सारे गा सा पा, ये दो बार आएगा, सारे गा सा पा, ठीक है। सारे गा सा पा, इसके बाद स्लो में देख लीजिएगा। Thank you.
नैना जोड़ लिए हैं। ये अंतरे की पहली लाइन देखिएगा। जब से तुम संग मैंने अपने, अब ये पा कोमल धा और मार रे। जब से तुम संग मैंने अपने पाधा पापाधा पापाधा पापा मामा रे। जब से तुम संग मैंने अपने, ठीक है उसके बाद नैना जोड़ लिए हैं। अब ये यहां पर शुद्ध नी का यूज होगा, ठीक है। नैना रेमा पानी नैना जोड़ लिए हैं। सादा पा मामा पापा जोड़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब ये पूरी लाइन वैसे तो सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है क्या। क्या मैया क्या बाबुल सबसे, अब उसमें पादा पा पादा पा, उसमें पहली लाइन में तीन बार है, इसमें दो बार है और साथ में तीसरी बार में नी का भी यूज है। क्या मैया क्या बाबुल सबसे पादा पा पादा पा पा नी धा पा मामा रे। क्या मैया क्या बाबुल सबसे, ठीक है। रिश्ते तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये जो आपका अंतरा कंप्लीट हुआ, इसके बाद फिर जो आती है लाइन, तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण मधुर सुना दो तार। अब ये जो लाइन है ये सेम आप उस तरह से बजाएंगे जैसे आपने स्थाई की सेकंड लाइन बजाई है, और इस तरह से आप पूरे इस भजन को, इसके दो अंतरे हैं, दोनों को आप सेम इसी तरीके से बजा करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से इसको बजा करके गा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आज की कोशिश आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जय श्री कृष्णा।